हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजलि किचन। अंजलि किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक डिजर्ट लेके आई हूँ जो कि गर्मी में आप खाएंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ लौकी की खीर। तो लौकी एक तो ठंडी होती है और गर्मियों में ये बहुत ही अच्छी रहती है खाने के लिए, पेट के लिए भी, हेल्थ के लिए भी। तो आज मैं आपके लिए लौकी की खीर लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं। तो आइए बनाते हैं फटाफट अपनी खीर। तो सबसे पहले हमें चाहिए ये लौकी, जिसको मैंने यहाँ पे कद्दूकस करके रखा हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं मैंने इसको कद्दूकस करके रखा है लौकी को। तो इसका पानी हमें निचोड़ना ही है, हम बाद में निचोड़ेंगे। और ये है चीनी, तो कम से कम मैंने यहाँ पे 200 ग्राम चीनी ली हुई है। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग अधिक मीठा खाते हैं, कुछ लोग कम मीठा खाते हैं। तो मैंने यहाँ पर चीनी ली हुई है। फिर ये है दूध, तो मैंने कम से कम यहाँ पर 1 किलो दूध यहाँ पर मैंने लिया हुआ है। ये हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, ये है किशमिश, काजू और ये बादाम। ये हमारा इलायची पाउडर है जिसको मैं डालूंगी बाद में। और ये हमारा देसी घी है, कम से कम 2 चम्मच मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है। अपनी लौकी को हमें थोड़ा सा भूनना है। तो सबसे पहले हमें लौकी का पानी निचोड़ना है, क्योंकि इसका पानी निचोड़ के ही हम अपनी लौकी को भूनेंगे। तो मैं इसको इस तरह से निचोड़ रही हूँ, आप देखिए इसका पानी कैसे निकल रहा है, कितना सारा। जैसे हम अपने सारी लौकी को सारा पानी इसका निकाल के इसको रख देंगे अलग, उसके बाद इसे हम भूनेंगे। तो ये देखिए हम ऐसी सूखी लौकी निकली है और ये पानी देखिए इसका। अब मैं कढ़ाई में घी डालूंगी। जैसे हमें गर्म होने देना है। तो ये है दूध, हमें अपने दूध को भी मैंने लो फ्लेम पे बॉईल होने के लिए रख दिया है, ताकि ये धीमे धीमे अपना बॉईल होता रहे। तो अब ये लौकी है जिसका पानी हमने निचोड़ा था, इसको हम डाल के इसमें भूनेंगे। और इसका पानी जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक इसको हम भूनते रहेंगे। जब थोड़ी सी ये सूखी सी हो जाएगी तब इसमें हम दूध ऐड करेंगे। तो ये देखिए लौकी का पानी एकदम ख़त्म हो चुका है, लौकी हमारी थोड़ी सूखी सी हो गई है। तो अब इसमें जो दूध है वो हम ऐड करेंगे, जो धीमी धीमी आंच पे मैंने बॉईल करने रखा था। तो इसकी मलाई अगर है इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है, आप मलाई सहित ही आप इसको डाल सकते हैं, इससे फ्लेवर और अच्छा आएगा। तो इसको हम बीच में चलाते रहेंगे। तो इसको आप लो फ्लेम पर आप इसको होने दीजिए, इसको ढकने की ज़रूरत नहीं, आप चाहे ढक भी सकते हैं और आप इसको ऐसे खोल के भी बना सकते हैं। तो इसको लो फ्लेम पे आपको बनाना है और इसे बीच बीच में आपको हिलाते रहना है कि आपकी खीर जल ना जाए या लौकी नीचे तली में लग ना जाए। तो इसको आपको चेक करते रहना है इसके गाढ़ा होने तक, ताकि हमारा दूध और लौकी अच्छे से मिक्स हो जाए, पक जाए और हमारा दूध और ये जो खीर है एकदम गाढ़ी सी हो जाए। तो इसे मैं ऐसे चलाती रहूँगी बीच बीच में। तो ये देखिए हमारी लौकी का ये पूरा गाढ़ा हो चुकी है, दूध इसका ख़त्म हो गया है काफ़ी, आप देख सकते हैं। अगर आपको और गाढ़ी खीर रखनी है तो आप इसको थोड़ी देर और कुक कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे इतना ही गाढ़ा रखूँगी। तो अब मैं डालूँगी इसमें चीनी। तो आप देख सकते हैं चीनी मैं कितनी डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे बड़ा एक चमचा चीनी, कम से कम 3 चम्मच 4 चम्मच मैंने यहाँ पे चीनी डाली है, आप देख सकते हैं। उसको मैं पूरा मिक्स कर दूँगी। तो चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये किशमिश और ये थोड़े से काजू, बाकी का ड्राई फ्रूट हम इसकी गार्निशिंग के लिए रखेंगे। इसे हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। और अब मैं डालूँगी ये इलायची पाउडर, इससे खुशबू और फ्लेवर दोनों बहुत ही अच्छा आता है। तो बस लौकी की खीर हमारी खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, इसे हम एक बाउल में सर्व कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी खीर एकदम रेडी है, इसको मैंने काजू बादाम से इसकी गार्निशिंग कर दी है। इसको आप फ्रिज में रख दीजिए, इसको ठंडा होने के बाद आप अपने फ्रेंड्स को या अपने फैमिली मेम्बर्स को सर्व करिए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।